गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज कुछ स्पेशल है, तो स्पेशल है बंटू का थोड़ा क्या बोलूँ, छोटू सा बोझ है आज तो हाँ छोटा पार्टी वही। तो छठियार के दिन भोज हुआ था, तो वो भोज क्या बोलूँ भेज था, तो रिलेटिव्स वगैरह वो होते हैं ना, तो वो सब बोल रहे थे कि आप सबने तो सस्ते में काम निपटा लिया तो उस टाइम नवरात्रि था, तो इसीलिए कोई खाता भी नहीं नॉनवेज, इसीलिए सानवी के पापा ने छोटा पार्टी का इंतजाम किया है। आज इतू सा है, बड़ा नहीं है, तो वही है आज, तो दिखाते हैं आज शाम को आप सबको। और ज्यादा नहीं, कोई नहीं आ रहा है, मतलब हमारे यहाँ फैमिली, मतलब फैमिली का जो रिलेटिव्स होता है ना, वही रिश्तेदार सब आ रहे हैं, तो मिलते हैं शाम को। तो अभी मुझे थोड़ा काम है, तो इसीलिए मिलते हैं शाम को और दिखाएंगे आपको मछली का रेसिपी और मिलवाएंगे सबसे। तो चलिए, तो जो दोस्तों जैसा मैं बोली थी कि मतलब आज छोटा सा भोज जैसा होने वाला है, मतलब फैमिली और रिलेटिव्स ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस उन्हीं को रिलेटिव्स थोड़ा सा और हमारा फैमिली जो जितना है, तो उन्हीं को बुलाए हैं। और जो छठियार दिन था, तो उस दिन नॉनवेज का भोज नहीं था, सिर्फ भेज बना था, क्योंकि नवरात्रा में छठियार पड़ गया था, तो उस दिन नॉनवेज कुछ बना नहीं पाए। तो सानवी के पापा बोले कि आज सबको बुला के खिला देते हैं जो रिलेटिव से उनको, तो आज हम आपको इसी का रेसिपी बताने जा रहे हैं। और अभी फ्राई हो ही रहा है, बस सब चढ़ाने जा रहे हैं। तो मछली है आपका 10 से 12 केजी मछली है, और आज हम आपको इसका रेसिपी दिखाएंगे। तो ये देखिए, दो दो कढ़ाई में चढ़ा हुआ है और दोनों साइड फ्राई हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसमें टाइम लगेगा बनने में, तो दोनों साइड बन रहा है। तो पहले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद और फिर आगे का आपको बताएंगे। तो दोस्तों तेल गर्म हो चुका है और सारा मछली फ्राई हो चुका है और यही लास्ट है, तो अब बनाने जा रहे हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए गया इसमें थोड़ा सा जमाइन और थोड़ा सा जीरा, और अब जा रहा है इसमें सूखी लाल मिर्च। तो पहले ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए जीरा और ये जमाइन। तो अब जा रहा है इसमें सूखी लाल मिर्च। और उसके बाद अब जाएगा टमाटर, तो सब कट के रेडी है। क्या हुआ? तो देखिए कितने सजाकर रखे हम सभी मछली को। तो पहले अभी से टमाटर को अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा पक जाए तेल में। तो दोस्तों ये टमाटर पक चुका है तेल में, थोड़ा फ्राई हो चुका है, अब इसमें डालने जा रहे हैं लहसुन, लहसुन का पेस्ट। तो ये गया लहसुन का पेस्ट, तो थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे और जो और मसाला है वो भी डालेंगे। तो थोड़ा सा पहले ये भून जाए, उसके बाद डालेंगे बाकी का जो मसाला है वो। तो लहसुन थोड़ा सा भून चुका है और इसमें अब जा रहा है आपका पिसा हुआ सरसों। तो ये देखिए कितना क्वांटिटी में जा रहा है। तो ग्रेवी तो इसमें पॉसिबल नहीं है, तो पहले मसाला इसमें भून लेंगे और ग्रेवी को अलग से बनाएंगे दूसरा बर्तन में। तो पहले इसे अच्छे से भून लेते हैं, तोरी और लहसुन और प्याज का भी पेस्ट है, तो थोड़ा सा पहले वो भून लेंगे।
थोड़ा सा भून जाए उसके बाद डालेंगे क्या बोलते हैं उसे, प्याज का पेस्ट है वो भी डालेंगे। अब पहले ये थोड़ा सा भून जाए। तो अब इसमें जा रहा है सूखी लाल मिर्च जो दो तीन गो भून ले तो। तो अब इसमें डालने जा रहे हैं सूखी लाल मिर्च था ना, तो उसी का पेस्ट बनाए थे थोड़ा सा वो, और जो बोली थी कि प्याज का पेस्ट, और वो भी गया अब। तो ये पूरा हमें इसे अच्छे से भूनना है ब्राउन होने तक मसाला। तो पहले भून लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको उसके बाद। मसाला बहुत है तो पकने में टाइम लगेगा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मसाला थोड़ा सा भून चुका है, देख सकते हैं आप कलर भी आने लगा है और थोड़ा थोड़ा तेल भी साइड साइड में छूट रहा है। तो अब इसमें बस अभी डाला है हल्दी, थोड़ी देर और भूनना है इसे। और ये गया सूखी लाल मिर्च का पाउडर, तो ज्यादा नहीं डालना है बस कलर आने जितना, क्योंकि सूखी लाल मिर्च पीस के भी डाला है इसमें मसाला के साथ। तो थोड़ी देर और भूनेंगे इसे। थोड़ी और गया ये सूखी लाल मिर्च, तो हमें ग्रेवी इसमें बनाना है क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा, ये तो मसाला से ही भर चुका है। और ये गया थोड़ा सा धनिया, तो बस मसाला हो गया कंप्लीट। अब इसमें कोई भी मसाला नहीं डालना है, तो सिर्फ अब इसे अच्छे से भूनना है, सिर्फ कोई भी मसाला नहीं जाएगा इसमें। तो भून लेते हैं इसे अच्छे से, उसके बाद मिलते हैं फिर से। तो दोस्तों अब इसमें जा रहा है नमक, तो थोड़ी और डालेंगे जब ग्रेवी में मछली जाएगा, तो उसके बाद थोड़ी और नमक जाएगा इसमें। तो अच्छे से फिर से भूनना है। तो देखिए मसाला भून के रेडी हो चुका है, और तेल मसाला ने पूरा तेल छोड़ दिया है, और मसाला तो एकदम अच्छे से पक चुका है। तो अब इस पानी में जाएगा ये मसाला, क्योंकि उसमें बन नहीं पाएगा। तो देखिए सारा मसाला इसमें डल चुका है। तो ये अच्छे से इसमें अब उमाल आ जाए, बॉईल हो जाए ये। तो देखिए इसे हम दो भाग में डिवाइड कर चुके हैं, क्योंकि एक में नहीं बन सकता था, तो इसीलिए दो में चढ़ा दी हूँ। और अब ये जा रहा है, अब मछली इसमें डाला जा रहा है। उबाल तो बहुत अच्छे से आ चुका है, और तेल तो छोड़ चुका है पूरा, और मसाला तो बहुत अच्छे से भून चुका था, आपने देखा ही होगा। तो अब मछली सब डाल देंगे और इसे फिर से पकाएंगे अच्छे से। तो देखिए मछली दोनों में डल चुका है और अच्छे से पक भी चुका है। तो अब इसमें हम डालने जा रहे हैं ऊपर से धनिया का पत्ता।
तो धनिया का पत्ता डल चुका है, बस अब 2 मिनट और ये गैस हो जाएगा बंद। तो दोस्तों देखिए बन के रेडी हो चुका है और एक ये रहा। तो अब मिलते हैं नीचे थोड़ी देर बाद, जब सब लोग आ जाए तो उसके बाद दिखाते हैं आपको सबको और मिलवाएंगे भी सबसे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों हम सब नीचे आ चुके हैं और नीचे आया हुए हमें बहुत देर हो चुका है और क्या कहते हैं जो हमारा गेस्ट था वो भी खा के सब चले गए हैं। तो बस इतना लोग बचा है और हम अभी सोने जा रहे थे, तो अब वीडियो को एंड करते हैं। तो ये है मेरी सखी मम्मी जो बहुत प्यारी है और मुझे बहुत प्यार करती है, और ये मेरी सखी मम्मी की मतलब उन्हीं की बेटी है, तो मेरी ननद, और ये रही मेरी मम्मी जो ऑपरेशन के दिन ही आई थी, सी सेक्शन के दिन, और मैं दिखा नहीं पाई उस वक्त आपको। और ये रही मेरी मासी, और इन्हें तो आप जानते होंगे। और ये भी एक नया गेस्ट आया हुआ है, और उधर देखिए वो मेरी मासी का लड़का सोहन। सानवी इधर देखो, हाय बोलो। और वो रहा खाली बर्तन जो सारा गेस्ट खा के चला गया है, और अब हम भी चलते हैं सोने। तो वीडियो को यही पे एंड करते हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।